अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक होंगे आप? मतलब कि और मेरा आज का जो मतलब कि थोड़ा बहुत वीडियो बनाने का थोड़ा सा मकसद ये है, और क्या नाम है उसका, जो मॉरल है ये जो भी आपके मतलब कि क्या नाम है उसका जो टॉपिक है वो ये है कि माँ बाप बनना तो बहुत आसान है और इतना आसान भी नहीं है। शादी करना बहुत आसान है और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी संभालना भी बहुत मुश्किल है लेकिन उस जिम्मेदारी को किस तरीके से आप निभाते हैं, किस तरीके से आप टाइम देते हैं, किस तरीके से आप उसको क्या नाम है सेटलमेंट करते हैं, और किस तरीके से आप अपने ऑफिस वर्क को देखते हैं, और किस तरीके से आप अपने घर को देखते हैं। जब शादी हो जाती है तो उसके बाद फिर आपकी वो होता है कि क्या नाम है अपने आपका मतलब कि क्या नाम है फिर आपका जो एक चल पड़ता है सर्कल, जो क्या नाम है फिर मतलब कि मियाना रवि इख्तियार करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कहिए कि एक ही बंदे की बात सुनते जाओ और दूसरे की बातों को ऊपर वो ही ना करो। हमारा माशरे में इस तरह की बहुत सारी हकीकतें हैं और बहुत सारे नकायस हैं जो मतलब कि बहुत हद तक जो है ना ये बिगाड़ का सबब बनते हैं। जब एक बंदे की शादी हो जाती है और उसकी मतलब कि बीवी से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाती है, उसके मतलब कि फिर माँ बाप जी समझते हैं कि क्या नाम है कि जी ये जो है ना बच्चा हमारे हाथ से चला गया, हमारे हाथ हाथों पे काबू हो गया, बेगम को होके रह गई, ये गलत बात है, ये गलत, देखें ये गलत बात है। जो मतलब कि आपने उसकी शादी की है, आप उसको थोड़ी आज़ादी दें, उसको लिबर्टी दें, उसको सबको जीने का हक दें। मतलब कि अब इस तरह का ये माशरे में हमारे नहीं होता, लेकिन अक्सर लोग करते भी हैं, इस तरह की आज़ादी भी देते हैं, मतलब कि सारा कुछ करते हैं, फिर मतलब कि जो खावन होता है वो अपनी बीवी को मतलब कि इंजॉय भी कराता है, लाइफ को जो भी करता है। उसके बाद जब वो होती है बनी, जब वो क्या नाम है उन बच्चों की जो जिनके बच्चे होते हैं वो ना उन बच्चों के साथ जो है बच्चों के साथ इंसान का उन तालों को और मजबूत हो जाता है। वो एक फैमिली गेट टुगेदर में वो एक फैमिली को मैं समझता अपने आप को, और क्या नाम है वो एक कट पैदा हो जाता है जो मतलब उसकी मोहब्बत और बढ़ जाती है, वो बच्चों के से बहुत प्यार करने लगता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में जो सबसे बड़ा जो मुसीबत है इस वक्त है वो है हमारी जदीद टेक्नोलॉजी। जदीद टेक्नोलॉजी का नुकसान ये हो रहा है कि बच्चे और माँ बाप में फासला बढ़ रहा है। फासला इन द सेंस के क्या नाम है आप बच्चे को क्या नाम है हम प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से वो बच्चा क्या नाम है आपसे थोड़ा सा दूर होना शुरू हो जाता है। मतलब कि माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, मतलब उन्हें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि क्या नाम है कि वो जो है जो मतलब कि अपने बच्चे के साथ अच्छा रवैया रखें, अच्छा बर्ताव करें। हाँ ज़रूर कोई गलत बात हो तो उस पर ज़रूर डांटें, मतलब डांटे इन सेंस ये नहीं कि मारना शुरू कर दें, डांटे इन सेंस के आंख का रोब होना चाहिए ना कि हाथ का। बच्चों में बच्चे बड़े मासूम होते हैं, लेकिन वो मतलब कि बच्चा जो है वो आपसे बेतहाशा सवाल भी करते हैं, और मतलब कि वो बच्चे का ब्रेन उस वक्त काफ़ी चल रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है। अगर आप बच्चे की नहीं सुनेंगे, बच्चे की बातों को ऊपर गौर नहीं करेंगे, तो वो फिर मतलब कि वो फिर इस तरह तो आप मतलब कि और आप जदीद टेक्नोलॉजी मतलब जिनमें मोबाइल इंटरनेट है, मोबाइल पे जो जिस तरह के मतलब के लोग होते हैं जो हर वक्त मोबाइल देख रहे होते हैं, चार्जिंग पे भी मोबाइल लगा है वो भी देख रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है। मतलब इसे आप अपने मतलब के क्या नाम है करवाने जिंदगी में इतना मगन हो गए हो कि आपको घर वालों की फिक्र ही नहीं रहती। देखें मेरी जो मतलब कि क्या नाम है मेरी जिंदगी में जो जितने मैं आई टुडे मतलब कि जितने भी मतलब मुझे साल हो गए,
हम लोगों के दौर में मोबाइल नहीं होता था, हम लोगों के दौर में ना इंटरनेट था, हम लोगों के दौर में ना कोई मोबाइल था, हम लोगों के दौर में ना कोई मतलब कि इस तरह की जो क्या नाम है कि कंपटीशन वाली लाइफ थी। और हम दोनों मतलब कि हमने बड़ी अपनी ज़िंदगी पीस एंड काम गुजारी हुई है, हम अपने माँ बाप के बहुत फरमाबरदार भी थे, मतलब कि हमने मतलब कि इस तरह की कोई ठीक है वो एक मतलब कि जो थोड़ा बहुत तंग करना होता है वो हर इंसान करता है, हर बच्चा शरारतें भी करता है, हर बच्चा हर तरह की बातें भी करता है, मतलब कि कुछ अच्छी बातें भी सीखता है, कुछ गन मतलब कि वो अपने जहन को चलाने की कोशिश करता है, और मतलब कि वो स्कूल में स्कूल से बातें सीख के आता है। लेकिन आजकल के दौर में ये है कि आजकल के दौर में मतलब कि बात ये है कि अगर किसी को मतलब कि मसरूफ़ करना हो कि बच्चा बहुत तंग कर रहा है जी, बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, बच्चा बहुत काम में खलल डाल रहा है, तो उसको मोबाइल दे दिया, मोबाइल देख के मोबाइल देखता रहे, मोबाइल देखने से क्या होगा, मोबाइल देखने से ये वो अपने काम पे लग जाएगा, और वो क्या नाम है फिर वो जो भी मतलब कि जिस तरह के भी कोई कार्टून देखेगा या कोई मतलब कि मुख्तलिफ चीज़ें देखेगा, लेकिन उसका ये इफेक्ट होता है कि ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है उसका क्या नाम है। और जो क्या नाम है मोबाइल से के साथ जुड़ जाना बच्चे का वो बहुत खतरनाक होता है बच्चे के लिए। एक तो बच्चे की नज़र पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, और दूसरा मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि क्या नाम कि फिर वो इम्यून होना शुरू हो जाता है उस चीज़ का, फिर वो जब उसे ना दिया जाए तो फिर वो चिड़चिड़ापन करता है ना ना वो मजीद इस तरह के वो मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं कह सकते, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है। तो मेरी इन माँ बाप से गुजारिश है कि परे खुदा का वास्ता है अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी मिलना है, फिजिकल तरीके से मतलब कि क्या नाम है उनके साथ उनको पढ़ाए लिखाए, उनको मतलब कि ये नहीं है कि बिल्कुल ही उनको जाहिल बना दें, क्योंकि मोबाइल पे तो चलता ही रहता है हर वक्त, तो इंटरनेट चलता ही रहेगा, किसी का पैकेज चल रहा होगा, किसी का क्या चल रहा होगा, लेकिन बात यह है कि आप बच्चे बच्चों के साथ करीब बच्चों के करीब हों, तो ना कि टेक्नोलॉजी के करीब हों, जिसकी वजह से अगर आप जितना टेक्नोलॉजी के करीब होते जाएंगे उतनी आप बच्चे उससे दूरी बच्चे की मोहब्बत से दूरी इख्तियार करते जाएंगे, और बच्चा ये सोचेगा कि कल को बड़ा हो जाएगा वो कहेगा मुझे तो माँ बाप की तरह से मोहब्बत ही नहीं मिली, मैं अभी अपना मतलब कि टाइम इनको दूँ। तो बात ये है कि नाजिन मेरे मतलब कि मैं अगर मेरी भी जाती राय यही है कि मेरे भी बच्चे हैं, मेरी मतलब कि एक बेटी है एक बेटा है, लेकिन उसकी मतलब कि वही हमारे घर में भी वही प्रॉब्लम है कि मेरे जो बार बार मोबाइल की इंटरेक्शन, मोबाइल पकड़ना, मोबाइल पे देखना, मोबाइल से नज़र की कमज़ोरी इतनी होती है, और ये क्या नाम है हर मगर, और ये मोबाइल पे अच्छी चीज़ तो थोड़ी है, ठीक है इसके फ़ायदे वो होते हैं, इसके मतलब कि इंटर कम्युनिकेशन होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन आप देखें कि इसके नुकसान भी बहुत हैं, जो इस चीज़ का फायदा है उस चीज़ का नुकसान भी है। लेकिन अब ये है कि अब मेरी बातों को यही है जो मैंने अपनी ज़िंदगी हम लोगों ने अपनी ये मोबाइल वगैरह जो है ना ये मैंने बड़ी देर बाद लेने शुरू की है। जब आप यकीन मानेंगे कि मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि जब मैं दुकान मैं अल्लाह का शुक्र है मैं शॉप पर लेकर तो होता था, लेकिन चले वो बस अब एक अलग चैप्टर है, लेकिन मैंने ये मोबाइल जो है ना अपनी ज़िंदगी का पहले मैंने सबसे पहले नोकिया लिया था, नोकिया था, उसके बाद फिर ये वाला आया J7। J7 माशाल्लाह मेरे पास तब काफ़ी साल से है, काफ़ी पुराना है, लेकिन अब छोड़ें उस बात को भी, लेकिन अब ये है कि सिर्फ मेरी ये सिर्फ अपील है कि खुदा का वास्ता कि अपने बच्चों को ध्यान रखें, और आजकल के दौर में जो बच्चों के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखनी पड़ती है, क्योंकि क्या नाम है अगर आप निगाह नहीं रखेंगे तो क्योंकि हमारा माशरे में और इस वक्त भूखों फलास बहुत है, भूखों फलास की वजह से वो ना नदीन आज ही की वजह मैं एक मिसाल देता हूँ कि मैं हमारे एक रिलेटिव में मतलब कि अल्लाह उसको क्या नाम है जन्नत में जगह दे, एक बच्चे का मर्डर हो गया इस वजह से कि क्योंकि वो उसने बटवा नहीं दिया, और क्या नाम है वो मतलब कि उसके घर वाले उसके बहुत छोटे बच्चे हैं, उसका कोई एक बेटा 3 साल का है,
नदीन ये हमारे मशरे की मतलब कि क्या नाम बंदा कह इसके इसको बेहिसी है। अब मैं यही कह सकता हूँ कि खुदा ना हमारे मतलब कि बच्चों को अनअटेंटिव ना छोड़ें, उनको कभी भी मतलब कि अकेला ना छोड़ें, उनको अपने साथ रखें, उनकी उनकी हर मोमेंट पर निगाह रखें, उनको बगैर किसी मतलब कि क्या नाम है पूछ पड़ती कि जाने मत दें। ज़माना बहुत ख़राब हुआ है नाज़रीन, और अच्छे लोग भी इसी माशरे में हैं। तो लिहाजा मैं ये अपील करता हूँ सालों से कि खुदा का वास्ता है अपने बच्चे को एक तो मोबाइल ना दें, खुदा का वास्ता है इनको पढ़ाएं लिखाएं, इनको 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 फिजिकल एक्टिविटीज कराएं, मतलब कि इनको पार्क ले जाएं, इनको मतलब कि मैं समझ नहीं आती कि बड़े हमारी माएँ क्यों इतनी ज़्यादा बच्चों को मोबाइल की तरफ इंटरेक्ट कर रही हैं। गलत चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं, खुदा ना रहम खाएं, बच्चे की तरबियत अच्छी करें, और मेरी यही अपील है। फिलहाल तक के लिए इतना ही, मज़ीद वीडियो आगे आपको इंशाल्लाह हर रोज़ मिलती रहा करेंगी, और अगर कोई मतलब के कोई कमेंट करना है तो ज़रूर करें। मैं मतलब कि मुझे कमेंट्स का होता है कि कमेंट्स में जितने मतलब के लोग जितने मुझे कमेंट करेंगे मुझे उतना अच्छा लगेगा, और मैं उनका रिप्लाई भी दूंगा इंशाल्लाह। तो फिलहाल तक के लिए इतना ही, मज़ीद वीडियोस के लिए आप ये चैनल देखते रहें रिजवान 7993। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे।